प्रयागराज के गंगा पार इलाके में थरवई थाना क्षेत्र के खेवराजपुर गांव में शुक्रवार देर रात सोते समय एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की वारदात से दहशत का माहौल है। हत्यारों ने इसके बाद साक्ष्य मिटाने के लिए घर को आग के हवाले करने की भी कोशिश की। सुबह जब लोगों ने घर से धुआं निकलते देखा तो पुलिस को सूचना दी। मृतकों में राजकुमार, उनकी पत्नी कुसुम, दिव्यांग पुत्री मनीषा, पुत्री मीनाक्षी और बहू सविता शामिल हैं। हत्या की जांच में कुछ तथ्य सामने आए हैं जो पारिवारिक रंजिश से जुड़े रहे हैं। पुलिस ने कुछ लोगों को हिरासत में लिया है जिनसे पूछताछ की जा रही है। इस घटना की बाबत मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी जांच के आदेश दिए हैं। वहीं प्रदेश के ADG लॉ एंड ऑर्डर प्रशांत कुमार ने मीडिया को बताया कि प्रयागराज में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या की जानकारी मिलने के बाद से सभी आला अफसर मौके पर मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि SDF प्रयागराज की यूनिट को भी पड़ताल में लगाया गया है।